सांस Hello all, I'm back with one more lecture for you in which I will teach you how you'll express any action which is in continuous mode. जब बात करते हैं किसी भी action को जारी रखने की तो हम action में ing add करते हैं. जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये वीडियो चल रही है, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ. ये सभी एक्शन लगातार चल रहे हैं और कंटिन्यूस हो रहे हैं, तो ऐसे में हम वर्ब में ing add करते हैं, यानी कि action में ing add करते हैं. In grammatical terms, the structure of this formula is subject plus ismar plus verb plus ing. But in my terms, it is actor plus ismar plus action plus ing. Action plus ing को आप short में acting भी बोल सकते हैं. Go, play, run, sleep ये action होते हैं. लेकिन going, playing, running, sleeping ये क्या है? ये action है? No, these are action plus ing जिसको हम acting short में कह सकते हैं. हिंदी के कुछ expressions जो कि continuously होते हैं, जैसे कि जा रहा ही, इनकी English होगी going. खेल रहा, खेल रही, इनकी English होगी playing. सो रहा, सो रही, sleeping. लड़ रहे, fighting. So till now you have got the concept of what is action plus ing and what is acting. You can see here singular means one and plural means one plus. यानी कि अगर आपका subject, यानी कि अगर आपका actor मान लीजिए गोलू है, okay? Then what you will see, what you will say, you will say singular, okay? Golu, he, she, these are singular. But in my terms, in my terminology, I will never say it is singular subject. I would say the actor is one. ठीक है? तो singular को मैं one बोलता हूँ और जो plural होता है जैसे कि we, they, ठीक है? मैंने कहा Golu and Ravi. तो अब ये जो हैं, एक से ज़्यादा हैं. तो we plural है, they plural है, Golu and Ravi भी plural है. इसको ग्रामर में प्लस बोलते हैं, लेकिन मेरे अनुसार इसको बोलते हैं वन प्लस. क्या बोलेंगे? वन प्लस. तो ध्यान रखेंगे, व्हेनेवर आई यूज अ वर्ड वन इट मींस सिंगुलर, इफ आई से वन प्लस इट मींस प्लूरल. तो प्लूरल के लिए वन प्लस बोला जाएगा मेरे द्वारा, और सिंगुलर के लिए हमेशा मेरे द्वारा बोला जाएगा वन. ये आपको अपने दिमाग में रखना है. एंड नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट द लेक्चर, लेट्स गो. आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इजमाल लिखा हुआ, और इजमाल का प्रयोग कब होता है? जब भी किसी भी एक्शन को हम कंटिन्यूस करते हैं. क्या करते हैं? कंटिन्यूस. व्हेनेवर वी यूज एनी कंटिन्यूस एक्शन वी एड आईएनजी टू दिस. यानी हिंदी में किसी भी एक्शन को कंटिन्यू करने के लिए रहा स्लैश रही स्लैश रहे का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम किसी भी एक्शन को कंटिन्यू करने के लिए उसमें आईएनजी ऐड करते हैं. ये बात. अब हमें यहां एक चीज देखनी है, हमें रहा रही रहे इसके बेस पर आईएनजी का एडिशन नहीं करना है. मतलब हम हिंदी से इंग्लिश ना सोचें. अंग्रेज लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो क्या वो हिंदी से ट्रांसलेशन करते हैं? नो. वो क्या करते हैं? वो डायरेक्ट जब उनके मन में किसी भी कंटिन्यूस एक्शन का भाव आता है तो वो आईएनजी लगा देते हैं. मैंने रहा रही क्यों पढ़ा है? ताकि आपके समझ में आ जाए. और मैं मना क्यों कर रहा हूं कि आपको रहा रही के बेसिस पे नहीं बोलना है? क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला है कि हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमें क्या करना है, किसी भी सेंटेंस को कि किसी भी टाइम वर्ड को विजुलाइज करना है, उसको फील करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. आपको फील करवाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला देखते हैं. चलो फॉर्मूला है, ग्रामर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है. जो बच्चे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बेहतर समझते हैं उनके लिए सब्जेक्ट, ये एक्टर हो जाएगा सब्जेक्ट. उसके बाद इज या एम या आर. उसके बाद वर्ब प्लस आई एन जी, वर्ब प्लस आई एन जी, जिसको हम जैसे वर्ब प्लस आई एन जी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वर्बिंग. हम बोल सकते हैं उसको शॉर्ट में वर्ब वर्बिंग. ठीक है, तो सब्जेक्ट इज एम आर वर्बिंग, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है. लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? एक्टर. ठीक है, और इज एम आर तो इज एम आर ही रहेंगे, टाइम टेलर हेल्पिंग वर्ब. और मैं वर्ब को क्या बोलता हूँ? एक्शन. मैं वर्ब को एक्शन बोलता हूँ तो एक्शन में जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो एक्टिंग बोलेंगे उसको. शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जैसे वर्बिंग होता है ग्रामर में, मेरे अकॉर्डिंग होता है एक्टिंग. तो मेरा फॉर्मूला होगा एक्टर प्लस इज एम आर प्लस एक्टिंग एक्स्ट्रावर्ट. तो जब भी आप बात करते हैं किसी भी सेंटेंस को, किसी भी एक्शन को जारी रखने की, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्टर प्लस इजमार प्लस एक्टिंग, और लास्ट में आएगा एक्स्ट्रावर्ट. चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से. पहले तो हमें इन तीनों डूअर्स को रख लेते हैं. ही के साथ इज, आई के साथ एम, यू के साथ आर आता है. आर आता है, देखें, ही माने वह, इज माने है. जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक है उनके लिए मैंने लिख दिया इज माने है, एम माने हूं, और आर माने हो सकता है या एच ए आई एन है, एक से ज्यादा. ये तो एक बंदे वाला है, ठीक है, और ये बहुत सारे बंदे होते हैं तब है उसमें हम अंग की बिंदी का एन का साउंड आते हैं, ये वाला. चलो, तो इस माने है, एम माने हूं, आर माने हूं. तो बोलो वह है, ही इज. मैंने कहा वह है, ही इज. मैं हूं, तुमने कहा मैं हूं,
बोलो आई एम, तुम हो, यू आर, ठीक है? तो कहते हैं ना कौन है, हु इज देयर, तो तुमने कहा मैं हूं। छुट्टी क्या बोलोगे, मैं हूं। आवाज आई रात के 12:30 बजे, तुमने खटखट खटखट, आपके गेट पे कोई आवाज कर रहा है, ठक 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 ठक। आप अपने गेट पे गए, आपने कहा कौन है, वहां से आवाज आई मैं हूं। मैं हूं की इंग्लिश क्या होगी, आई एम, मैं माने आई, हूं माने एम, तो मैं हूं आई एम, तो वह है ही इज, और तुम हो यू आर। इसको रट लिया आपने, जल्दी से आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पिक पे आ रहे हैं, तो बोलो ही इज, आई एम, यू आर, बोलो जल्दी से, मैं हूं, वह है, मैं हूं, तुम हो, ही इज, आई एम, यू आर, बोलो जल्दी से। मतलब ही इज, आई एम, यू आर। तो ये स्लाइड आपके सामने है, स्लाइड में हम इसके अकॉर्डिंग बोलने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा वह जा रहा है, ही इज गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, और वह, ठीक है, और मैं जा रहा हूं, तो ऐसे ही वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। तुमने कहा तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, तो आई एम प्लेइंग। ये आपको क्या करना है, एक ही एक्शन को, इधर भी गो, इधर भी गो, इधर भी गो, गोइंग गोइंग गोइंग, प्लेइंग प्लेइंग प्लेइंग, एक ही एक्शन को ही के साथ, यू के साथ और आई के साथ बोलना, ठीक है? चलो तो बोलो वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, बनाओ, आई एम स्लीपिंग, तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग, ठीक है? वह लड़ रहा है, ही इज फाइटिंग, तुम लड़ रहे हो, यू आर फाइटिंग, मैं लड़ रहा हूं, आई एम फाइटिंग, ठीक है? नॉट लगा सकते हो, नॉट, यहां पे नॉट लगा दो, मैं नहीं लड़ रहा हूं तो आई एम नॉट फाइटिंग हो जाएगा, क्लियर है? ही इज, आई एम, यू आर। अब मैंने क्या किया आपके लिए, ये देखो, शी इज, एक इंडियन वेडिंग का मैंने पिक लिया है, तो शी इज क्या कर रही है, शी मतलब वह लड़की है, चाहो तो उसको ब्राइड कह दो, ब्राइड माने क्या होता है, दुल्हन, ग्रूम माने क्या होता है, दूल्हा, GROOM। तो तुमने कहा शी इज स्माइलिंग, ठीक है, शी इज स्माइलिंग, हमारा पहला सेंटेंस पूरा हो गया, शी इज स्माइलिंग, ठीक है, आई एम स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग। तो हमने इस स्माइल को, इस एक्शन को यहां से उठाया और कहां पे लगा दिया, इस जगह, शी इज स्माइलिंग, ठीक है, आई एम स्माइलिंग और यू आर स्माइलिंग। फिर से हम दोबारा ले लेते हैं। अब इस बंदे को देखो जरा, ये कौन है, फोटोग्राफर, तो ये फोटो ले रहा है ना। हमने क्या करना है, एक्शन उठाने, बस उन एक्शन को कहां पे लगाना है, इस जगह लगा देना है। तो ही इज टेकिंग, ही इज टेकिंग, क्या ले रहा है वो, ही इज टेकिंग, ही इज टेकिंग क्या, पिक्स, ये पिक्चर ले रहा है, मैं पिक्चर ले रहा हूं, आई एम टेकिंग पिक्स, तुम पिक्चर ले रहे हो, यू आर टेकिंग पिक्स, ये बात समझ में आती है आपको, आगे नेक्स्ट आओ। अब फिर से हमने एक एक्शन उठा लिया, हमें कुछ नहीं करना है, एक्शन उठाना। अब देखो यहाँ पर फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये फ्लावर्स को हम क्या क्या कर रहे हैं, सभी बाराती उसको फेंक रहे हैं, तो फेंकना थ्रो होता है, लेकिन ये थ्रो नहीं है, थ्रो होता है पूरी जान से फेंकना, हल्का सा ऐसे करके फेंकना होता है, शावर, तो जैसे नहाने के लिए शावर आता है ना ऐसे। तो अब शावर मैं लगा दो जल्दी से, तो शी इज या ही इज शावरिंग क्या, फ्लावर्स, वो फूल वर्षा कर रहे हैं, आम शावरिंग फ्लावर्स और यू आर शावरिंग फ्लावर्स। हमें क्या करना है, इन तीनों को ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम तीनों को ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इज और एम और आर की प्रैक्टिस करनी है, तीनों को करेंगे तो इज एम और तीनों आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, यहां देखो जरा, अब देखो ये है दूल्हा, दूल्हा क्या कर रहा है, दूल्हा देख रहा है ना, तो दूल्हा होता है ब्राइड, सॉरी ग्रूम, तो ग्रूम ही के लिए ग्रूम लगा दीजिए आप, ग्रूम इज लुकिंग, है ना, किसको देख रहा है, एट सिस्टर, बहन को देख रहा है ना, तो ग्रूम इज लुकिंग एट सिस्टर, ये इसकी बहन है, यहाँ पे ग्रूम इज लुकिंग एट सिस्टर, या एट हिज सिस्टर कह सकते हो आप, ग्रामेटिकली बोलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हिज, एट हिज सिस्टर, ठीक है। और नेक्स्ट, तो हमें कुछ नहीं करना है, आपको जितनी पिक्स दिखाई देती, कोई भी पिक दिखाई देगी, उस पिक में आप केवल एक्शन देखिए। अब देखो, ही इज एंग्री, ही इज एंग्री, आई एम नॉट एंग्री, यहाँ पर नॉट लगा दो, आई एम नॉट एंग्री। आप कहेंगे सर एंग्री मैन जी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एंग्री एडजेक्टिव है, एंग्री एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव मैन जी नहीं लगाते हैं। अब आप कहेंगे सर एडजेक्टिव क्या होता है, इसके लिए लेक्चर आएगा, है ना, जैसे ही इज हैप्पी होगा, ही इज हैप्पी इंग तो नहीं होगा ना, कभी सुना आपने ही इज हैप्पी, ऐसा नहीं होता, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, हम आई एन जी किस में लगाते हैं, एक्शन में, हम एडजेक्टिव में आई एन जी नहीं लगाते, एडजेक्टिव प्लस आई एन जी नहीं होता, इसलिए हम एंग्री एक एडजेक्टिव है, आई एन जी नहीं लगा रहे। तो बोलो ही इज एंग्री, आई एम नॉट एंग्री, यू आर नॉट एंग्री, ठीक है, ओके, आगे आओ।
मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ आज, मैं सिखा रहा हूँ कि हमें एक्शन कैसे उठाने, कोई भी पिक्चर ले लो उसमें से एक्शन उठाओ, ठीक है। और देखो जरा कोई और एक्शन है, अब देखो इन्हें देखो जरा, ये दीवार पे ये जो शख्स है ना, ये इन्हें देखो जरा, ये दीवार पे बिल्कुल दीवार पे ही खड़े हैं, है ना, तो दीवार पे झुक रहे हैं। तो दीवार पे झुकना क्या होता है, तो ही इस आपको झुकना नहीं पता तो एक काम करो, आप कहोगे सर मुझे तो नहीं आ रहा झुकने की निश्चय होती है, तो आप इसको झुकिंग बोल दो, ही इज झुकिंग, JHUKING, झुकिंग ऑन वॉल, ये समझ में आता है। मेरा कहना ये है कि आपको टाइम वर्ड की प्रैक्टिस करनी है ना कि एक्शन की, एक्शन मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो वैसे झुकना क्या होता है, लीन, ही इज लीनिंग ऑन वॉल, दीवार पर, ही इज लीनिंग वॉल ऑन वॉल, ठीक है। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो दीवार पे झुका हुआ है, ही इज लीनिंग ऑन वॉल, आई एम नॉट लीनिंग ऑन वॉल, आई एम नॉट लीनिंग, आई एम नॉट लगा दो यहाँ पे, आई एम नॉट लीनिंग ऑन वॉल, मैं दीवार पे नहीं झुक रहा हूँ, ठीक है। एंड यू आर नॉट लीनिंग ऑन वॉल, आप भी दीवार पर नहीं झुक रहे हो, ठीक है, नॉट लगा सकते हो आप। मेरा ये कहना है कि आप एक्शन को उठाइए और उसको तीन जगह फिट कीजिए, कहाँ कहाँ, ही पर, आई पर और यू पर। अब देखो जरा इंडियन वेडिंग में खाना खाने का सीन आ रहा है, अब ये जो बंदा है वेटर है, ठीक है, ही इज सर्विंग, क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है ना, ही इज सर्विंग, सर्व माने होता है परोसना, क्या, फूड, फूड कह सकते हो, मील कह सकते हो, है ना, MEAL, खाने के लिए मील भी आता है, लेकिन एक वर्ड दे रहा हूँ नया, फीस्ट, फीस्ट माने दावत, वो दावत परोस रहा है ना, तो ही सर्विंग फूड, और ये क्या कर रहे हैं, दावत कर रहे हैं, दावत की इंग्लिश होती है FEAST, फीस्ट। तो ही सर्विंग फूड, आई एम नॉट सर्विंग फूड, यू आर नॉट सर्विंग फूड, फिर से स्टार्ट करते हैं, एंड ही इज सर्विंग रोटीज, आई एम नॉट सर्विंग रोटीज, यू आर नॉट सर्विंग रोटीज। नेक्स्ट है शी इज टेकिंग फूड, शी इज टेकिंग फूड, ठीक है। अरे खाने के लिए हम ईट भी लगाते हैं, टेक भी लगाते हैं, वो खाना खा रही है, शी इज ईटिंग या टेकिंग, शी इज टेकिंग फूड। अब मैं थोड़ी खा रहा हूँ यार, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग फूड, यू आर नॉट टेकिंग फूड, वही चीज है, ही के साथ, ही आई यू, ही इज आई एम यू आर, ये हमें करना है बस, ही इज आई एम यू आर, हमें हर बार करना है और हमें एक्शन उठाते जाना, ही इज डांसिंग, आई एम नॉट डांसिंग, यू आर नॉट डांसिंग, एक्शन एक ही रहने देना, एक्शन को चेंज नहीं करना है। जैसे आपने कभी कभी बच्चे करते हैं ही इज डांसिंग एंड आई एम लर्निंग एंड यू आर सिटिंग, तीन एक्शन नहीं, एक्शन एक ही, एक बार में, एक सेट में एक एक्शन, ही इज डांसिंग, आई एम नॉट डांसिंग, यू आर नॉट डांसिंग। अब देखो ये बाजा बजा रहा है, तो ही इज प्लेइंग, बजाने के लिए आता है प्ले, ठीक है, ही इज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग बट यू आर नॉट प्लेइंग, खेलना भी होता है प्ले माने। अब देखो जरा, ठीक है, अब ही इज लाफिंग, दूल्हा जो है, ही इज, इसको देखो, ही इज लाफिंग, आई एम नॉट लाफिंग, यू आर नॉट लाफिंग। आते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन पर, ये है, यहां मैंने कुछ आपके लिए ऑलरेडी कुछ एक्शंस डाले हैं, देखेंगे जरा। नीड माने होता है गूथना, जो आटा होता है ना गूथना, तो नीडिंग द डाव, नीड आईएनजी हटा दीजिए, नीड द डाव होता है आटा गूथना। और अगर हम बात करेंगे किसी किसी एक्शन को जारी रखने के लिए, इस एक्शन को जारी रखना तो आईएनजी लगानी पड़ेगी, है ना, तो नीड द डाव का हो जाएगा नीडिंग द डो, क्या हो जाएगा, नीडिंग द डो। तो वह अभी की जगह शी कर दो, ये की जगह किचन में गया, अपने मम्मी को देखा, ऐसी प्रैक्टिस करनी है, अभी अभी जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो किचन में जाओगे, मम्मी को देखो, शी इज नीडिंग द डो, सीधा आटा गूंथ रही है, वैसे आटे के लिए वर्ड आता है एक और, FLOUR, है ना, लेकिन आटा गूंथने के लिए नीडिंग द फ्लोर भी कह सकते हो, नीडिंग द डो भी बोल सकते हो। अब और आई एम नॉट नीडिंग द डो, यू आर नॉट नीडिंग द डो। इंडियन मैरिजेज में सोचो जाओ, इंडियन मैरिज में क्या होता है, पापड़ भी होते हैं, आटा भी गूंथता है, ठीक है, रोस्टिंग भी होती है, रोस्ट मैंने होता है भूनना, रोस्ट, तो वो पापड़ भून रहा है, ही इज रोस्टिंग पापड़, आई एम नॉट रोस्टिंग पापड़, यू आर नॉट रोस्टिंग पापड़। टोस्ट, सेकना, रोटी को सेकते हैं, देखो रोटी, ये रोटी है, रोटी को सेकते हैं, तो इंडियन मैरिजेज में रोटियां भी बनती हैं, तो शी इज क्या, शी इज टोस्टिंग, सेकने की बात हो रही है, देखो भूनना रोस्ट होगा ऊपर वाला, भूनना होगा ROAST, और जो सेकना होगा वो होगा, ये रोस्ट है भूनना और ये है सेकना, शी इज टोस्टिंग रोटी, आई एम नॉट टोस्टिंग टोस्टिंग रोटी, यू आर नॉट टोस्टिंग रोटी। डू डिशेज क्या होता है साहब, डू डिशेज मतलब होता है बर्तन धोना, डू डिशेज बर्तन धोना, तो वहाँ पे इंडियन मैरिजेज में बर्तन भी धुलते हैं, तो मैं आपको इंडियन मैरिज बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे एक्शन आपको दिखाई देंगे वहाँ पे, तो ही इज डूइंग डिशेज, या कोई लेडी हो सकती है, यहाँ पे शी लगा दो, शी इज डूइंग डिशेज, वह बर्तन धो रही है, मैं थोड़ी धो रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग डिशेज, ठीक है, यू आर नॉट डूइंग डिशेज, ऐसे बोलो, मतलब पूरे एक्सप्रेशन से, मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे हो, वो कर रहा है, इस स्टाइल में बोलो। चलो अब आगे आ जाओ, अब डांस की बारी आ गई, तो ही इज डांसिंग,
ही इज या दे आर, अब ही की जगह दे ले लो चाहो तो, ही इज डांसिंग डीजे पर, ऑन डीजे या ऑन बैंड, ही इज डांसिंग ऑन बैंड, ही इज डांसिंग ऑन डीजे, आई एम नॉट डांसिंग ऑन डीजे, यू आर नॉट डांसिंग ऑन डीजे। कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसके बिना हमारी भारतीय शादी कभी होती ही नहीं है, इंडियन मैरिजेस आर नेवर पॉसिबल विदाउट दीज सॉन्ग्स, जैसे कि बहारो फूल बरसाओ, आज मेरे यार की शादी है, दौड़ पिला दे साथिया, सात समुंदर पार। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, कोई आपने मैरिज या शादी अटेंड किया जिसमें इनमें से कोई सा भी कहीं गाना ना चला? नो नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो शादी की जान है। सात समुंदर पार में तेरे, एजुकेटेड है और आपको 9-10 बजे तक क्या होते हैं, जेंटलमैन, बहुत ही अच्छे, बहुत पढ़े लिखे, समझदार, लेकिन 12 बजे के बाद ही क्या हो जाते हैं, इन्होंने लगाई, बस लगाने के बाद हो जाते हैं क्या ये बेबड़े, अब ये इनको ना अपना याद नहीं है कुछ भी, अब इनका तो ये हाल हो जाता है बिल्कुल। और ये यहाँ पे बेबड़े भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, BOOZER, देखो जरा BOOZER, बुजर, और बुज माने शराब और बुजर माने शराबी, लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, इनको बोलो कि तुम शराबी हो, आवाज आएगी वैसे, नो मैं शराबी नहीं हूँ, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। उनको बोलो कि आपको नशा ज्यादा हो गया है, तो छुट्टे आंसर क्या मिलता है पता है, क्या आंसर मिलता है, नशा शराब में होता तो नाचती होता है, नशा शराब में होता तो नाचती। 12 जब बज जाते हैं तो इनका मौसम आता है, ये जो दूल्हे के दोस्त है ना शराब पी करके जो बिल्कुल टल हो गए हैं, बिल्कुल टल नहीं हो गए थे, ठीक है, अब ये टल्ली जो हो गए ना, टल्ली के लिए वर्ड है यहाँ पे देख लो जरा, और जब टल्ली हो गए अब ये रात को 12 बजे चलेंगे, अब ये गाना चलाएंगे कौन सा, इनका फेवरेट गाना आने वाला है, दो गुट पिला दे साथिया, ठीक है, दो गुट पिला दे साथिया, घबरा के तेरे नाम से पुकारा है, काकिया शराब मेरे जीने का सहारा है, ओ दो घुट पिला दे, पिला दे दो घुट पिला दे साकिया, काकी मेरे ते रोड दे दो घुट पिला दे साकिया। तो ये सॉन्ग्स किस प्रकार के होते हैं जो हमारी इंडियन मैजिक में चलते हैं, आपको क्या करनी है इन पर प्रैक्टिस, अब देखो जरा स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, बोलो जरा इस चीज को दोबारा देखेंगे और उसको बोलते हैं ही इज क्या डांसिंग, अब वो डांस कर रहा किस पर, सात समुद्र पार पे, शी इज डांसिंग किस पर, सात समुद्र पार पर, शी इज डांसिंग ऑन सात समुद्र पार, अब ही एक है तो ही आएगा, एक से ज्यादा है तो दे, वो नाच रहे हैं दो गुट पिला दे साथिया पर, तो वे नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग ऑन दो गुट पिला दे साथिया। तो आपको मैंने शादी का एक सेशन दिया जिसमें कि हम फूडिंग के बारे में, इनकी दावत के बारे में बात करें, दूसरा सेशन मैंने आपको दिया जिसमें आपको मैंने पढ़ाया कि आप कैसे किसी सॉन्ग्स के बारे में जो नाच होता है, जो डांस होता है, उसके बारे में आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे।